आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व है और रामनवमी के पावन पर्व पर रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। अब से कुछ ही क्षण बचे हैं और सभी इस क्षण के साक्षी होंगे। इस समय पूरा माहौल राममय हुआ हुआ है और हमारे संवाददाता भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, अजय मिश्र। अजय, 12:16 का वो वक्त है, कुछ ही क्षण बचे हैं, यह अनोखे क्षण के हम सब साक्षी होंगे। देखिए भावना, ये अनोखा क्षण आ चुका है और आप जानते हैं कि अभिजीत मुहूर्त जैसे ही 12 बजे का होता है भगवान श्री राम का प्राकट्य हो जाता है और यहाँ पर जो मुख्य द्वार है वहाँ पर हलचलें तेज हो गई हैं। बड़ी संख्या में लोग अंदर प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग इस वक्त भाग्यशाली जो लोग गर्भगृह में हैं वो तो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण और भगवान श्री राघव एक साथ इस वक्त सूर्य तिलक के साथ, सूर्य अभिषेक के साथ ये अद्भुत तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। दूरदर्शन परिवार की ओर से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघव के जन्मोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ ये अद्भुत तस्वीरें 4K तकनीक के जरिए संपूर्ण विश्व तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं और आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें जब भगवान श्री सूर्य नारायण, जो स्वयं भगवान परमात्मा पर ब्रह्म के स्वरूप हैं और जिनके वंश में भगवान श्री राम का इसी पावन अयोध्या की धराधाम पर प्राकट्य होया, वो इस वक्त भगवान श्री राम के ललाट पर अपने सूर्य अभिषेक का चुंबन कर रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं ये 12 बजे की जन्मोत्सव की प्रकटोत्सव की भव्य आरती जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है। रामनवमी पर रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक हो चुका है और ये जो सीधी तस्वीरें हैं वो कैसे विज्ञान के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक जो हमारी भावना है, जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा है सनातन धर्म की, उसको हम कैसे विज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसकी एक सीधी तस्वीर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। और भगवान श्री राम की जो आरती है 12 बजे की आरती, उसका दर्शन आप इस वक्त कर रहे हैं। राघव पीताम्बर पहने कैसे भव्य रूप में भगवान श्री राम सभी को अपना दर्शन देते हुए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। भगवान श्री राम के नाम में ही र आ मा के रूप में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है। स्पष्ट तौर पर भगवान सूर्य जो कि शब्द राशि के रूप में, जो कि परब्रह्म के रूप में इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या में तो उनकी किरणें पहुंच ही रही हैं, लेकिन जब प्रकटोत्सव हुआ था भगवान का, जब जन्म हुआ था चैत्र मास की नवमी के दिन शुक्ल पक्ष की, तो उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि एक महीने तक भगवान सूर्य अपनी जगह पर ही अडिग बिल्कुल खड़े रह गए थे स्तब्ध भगवान राघव के दर्शन के लिए और लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसे एक महीना बीत गया। वो आनंद के क्षण कहते हैं कि कैसे बीत जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता है। तो उस वक्त भी ऐसे ही धूम रही होगी, हम सिर्फ त्रेता युग की कल्पना कर सकते हैं भावना की उस वक्त कैसी धूम रही होगी। भगवान श्री राम ने जब वाकई यहाँ पर जन्म लिया होगा तो उस वक्त का माहौल कैसा रहा होगा, उसका एक बहुत ही छोटा सा अंश हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही दिव्य तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और सभी इस क्षण को अपने अपने हृदय में कैद करना चाहते होंगे। जो ये तस्वीरें इस वक्त आपको भगवान श्री राघव की दिखाई दे रही हैं रामनवमी के इस पवित्र अवसर पर, और ये बहुत ही अद्भुत दिन आज का, भगवान के प्राकट्य का दिन आज श्री रामनवमी का दिन अयोध्या के लिए और भी बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर रामनवमी का सबसे बड़ा आकर्षण कोई है कोई धराधाम पर, तो वो यही अयोध्या धाम है। आप सोचिए अयोध्या धाम में वो कौन सी आकर्षण शक्ति है, वो कौन सी ताकत है जो परब्रह्म परमात्मा को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जो भगवान श्री राम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कैसे अयोध्या धाम में भक्तों की भावना के अनुरूप स्वयं खींचे चले आते हैं और सभी के हृदय में उनकी भावना के अनुरूप बसते हैं, प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, आनंदित करते हैं। आनंद सिंधु, आनंद कंद भगवान श्री राम के आनंद सिंधु की एक रश्मि से, एक कण से ही संपूर्ण विश्व को आनंद मिलता है और वही भगवान श्री राम आज दिव्य और भव्य रूप में अपने नए प्रांगण में, अपने नए भव्य मंदिर से ये भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि 19 से 20 घंटे तक भगवान श्री राम दर्शन देंगे और ये सीधी तस्वीरें आपको पहुँच रही हैं।
अजय, अगर बात करी जाए कि रघुवंश के ललाट पर जो सूर्य अभिषेक हुआ है या फिर हो रहा है, कितने मिनटों का हुआ है ये? पहुंचे हैं कुछ अपने घरों के टीवी स्क्रीन पर हैं और उस अद्भुत नजारे को लोगों ने अपनी आंखों में कैद किया है। क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम के आज रामनवमी के इस अवसर पर जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? अगर एक शब्द में कहूं ये बात, तो मैंने अगर 100 लोगों से बात की होगी तो उनमें 80 से 90 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास शब्द नहीं है कि वो अपने अनुभव को कैसे बयां करें। जो दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं उनमें बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनका यही कहना है कि अद्भुत। बच्चों तक की बात मैं बता रही हूँ, उनका ये कहना है कि उन्हें बहुत अद्भुत लगा, कुछ चमत्कारिक सा महसूस हुआ भगवान रामलला को देखकर, निहार कर। कई महिलाएं भावुक हो गई, रोने लगी कि रामलला को वो इतने अच्छे से दर्शन कर पा रही हैं। और अब जिस वक्त सूर्य तिलक हो रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, यहाँ पर कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था, लेकिन अब श्रद्धालुओं को वापस मंदिर में जाने की इजाजत दे दी गई है। अब श्रद्धालु वापस मंदिर में जाने लगे हैं, दर्शन करेंगे। कई जगहों पर LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं और उन LED स्क्रीन्स पर भी दिखाया जा रहा था अंदर जिस तरह से पूजा चल रही थी, मंत्रोच्चारण और धूप आरती, भगवान को नहलाना, उनका श्रृंगार, और उसके बाद वो सूर्य तिलक वाला जो नजारा था, त्रेता युग वाला अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो यहाँ सभी स्तब्ध होकर देख रहे थे, जो अंदर थे वो अंदर देख रहे थे, जो नहीं पहुंच पाए वो अपने मोबाइल फोन पर भी देख रहे थे कि TV चैनल्स के जरिए वो देख ले। न्यूज 18 भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा था कि किस तरह से सूर्य तिलक हो रहा था, ये अद्भुत नजारा, साइंस और आस्था का मिलन देखने को मिला आज रामनगरी में, रामनगरी की भव्य और सुंदरता भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेनका, तुरंत आपके पास आएंगे, एक बार राजीव के पास चल लेते हैं, फिर आप लोगों से जरूर बात करिएगा। राजीव, जिस भव्य नजारे को देखने के लिए, और कहते हैं कि 500 साल बाद एक भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरी धूमधाम के साथ, और जो सूर्याभिषेक किया गया उसके लिए तो लोग पलक पावड़े बिछाकर वहां पर बैठे हुए थे, किस तरह के इस नजारे को देखने के बाद लोगों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? और देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में जिस पल और क्षण का 500 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था वो आज आ चुका है। आज भगवान राम का सूर्याभिषेक अब से कुछ देर पहले किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं भगवान राम लला के मंदिर के सामने गेट पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा छा गया है, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं, जो राम भक्त हैं, वो TV स्क्रीन पर, LED स्क्रीन पर, और इस वक्त जो भगवान राम की पूजा अर्चना की जा रही है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे हैं, यहाँ के साधु संत भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है महंत जी आज? अयोध्या 500 वर्ष के बाद अयोध्या में जन्म उत्सव, भगवान राम का भव्य, अभी इस तरह का जन्मोत्सव कभी हुआ नहीं था। आज 500 वर्ष बाद ये पहले 7000 मठ मंदिरों में घड़ी घंट और बज रहा है, हर जगह नगाड़ा बज रहा है और राम मंदिर में भी भव्य से सजा हुआ है और भगवान हनुमान जी का भी सवेरे पूजा अर्चना हुआ है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर 500 वर्ष बाद इस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है। अभी तक मनाया नहीं गया, आज अयोध्या में भगवान राम का 500 वर्ष बाद इस तरह का मौसम लग रहा है। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है मोदी योगी के सहयोग से, ये 500 साल के बाद पहली बार रामनवमी के शुभ अवसर पे लाखों लाखों भक्तों के साथ में जो है रामनवमी मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय सियाराम। बिल्कुल, जय सियाराम के नारे वहां पर लग रहे हैं राजीव, और ये अद्भुत नजारा, अद्भुत क्षण, और जो वहां के अयोध्या वासी हैं वो तो आज भाव विभोर हो गए हैं। हमारे साथ निमेश भी जुड़े हुए हैं। निमेश, अगर बात की जाए अयोध्या की, कहते हैं 500 साल बाद भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आज तो कह रहे हैं कि पता नहीं ये तादाद कितनी बढ़ेगी, अभी तो 50 लाख की बात हो रही है। निमेश, आप चूंकि अयोध्या वासी हैं, आपने देखा पहले का समय भी और अब का समय भी, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं ये त्रेता युग है और इस त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल ये रामकालीन अयोध्या है और रामलला का आगमन 22 जनवरी को हो चुका है। जिस तरीके का नजारा है, जैसे अभी राजू कह रहे थे कि भगवान राम के जन्म के बाद से ही अयोध्या की सड़कें सुनी हो गई। लगभग 10,000 मठ मंदिर है रामनगरी में और हर कोई भगवान राम के जन्म के समय यानी कि ठीक दोपहर 12 बजे भगवान के दीदार के लिए किसी न किसी मंदिर में शरण लिए हुए। देखिए जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु हो और वहाँ ये जो जहाँ मौजूद है जन्मभूमि पर है, इसके साथ ही इधर भी देखिए तमाम जो सड़कें दिख रही है लोग कम दिख रहे हैं। अमूमन आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु है लेकिन ये अयोध्या नहीं पूरी देश पूरा देश थमा है। ठीक दोपहर 12 बजे भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्याधिकारी भगवान रामलला का प्रकाटोत्सव मनाया गया और ये प्रकाटोत्सव इस बार बेहद खास इसलिए भी था क्योंकि भगवान अपने जन्म स्थान पर बने महल में विराजमान है। ऐसे में तमाम देश और दुनिया के राम भक्त भी यहाँ पहुंचे हैं। अयोध्या में जो धार्मिक अनुष्ठान का दौर है वो मंदिर मंदिर चौराहे चौराहे देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर राम हर घर में प्रकट होंगे, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, कहीं बधाइयां गाई जा रही हैं, तो कहीं शोहर हो रहे हैं, तो कहीं भगवान के घंट घड़ियाल से आरती उतारी जा रही है। हम जिस जगह मौजूद है ये माहौल आपको ये देखिए ये जनशाला में चिड़चिड़ाती धूप में लोग दर्शन के लिए मठ मंदिरों में जा रहे हैं या निकल रहे हैं। बस इस समय अयोध्या केवल राम की है, राममय है और राम के साथ ही चल रही है। बिल्कुल अयोध्या राममय है और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी बिल्कुल राममय हो रहे हैं। भले ही चिलचिलाती धूप हो, भरी गर्मी हो, दोपहरी हो, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं और उनके एक बार दर्शन पाकर लोग अपने जीवन को सार्थक मान के आगे बढ़ते हैं। मेनका बहुत सारे लोग वहां पर जुटे हुए हैं, आप सुबह से बातचीत भी कर रही हैं। प्रभु श्री राम की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, लोग कहते हैं कि सिर्फ उनके आंखों में निहार लो तो ऐसा लगता है कि वो आपके हृदय में उतर गए हो और आज जब सूर्य अभिषेक हुआ तो वो छटा तो अद्भुत थी। ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो जल्द से जल्द चाहते होंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, तो किस तरह से लोग आतुर दिखाई दे रहे हैं इस रामनवमी के अवसर पर, और रामनवमी में अगर प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए तो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मेनका जी बिल्कुल, जो लोग आ रहे हैं वो आतुर हैं कि उनको रामलला के दर्शन हो जाए, लेकिन इंतजाम इस तरह से किए गए हैं ना कि उनकी व्याकुलता यहाँ आकर राहत में बदल जा रही है। क्योंकि जो जगह पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, जिस जगह पे यहीं से राम जन्मभूमि की शुरुआत हो रही है, ये राम जन्मभूमि पथ है।